रिव्यूअर आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube पर PTV हिंदुस्तान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सितारों की और जानेंगे कि कितने पैसे में वे आपके यहाँ शादी में परफॉर्म करने आ जाते हैं। पर इससे पहले शानदार वीडियो की मैं शुरुआत करूं, बता देना चाहती हूं कि यदि आपने अभी तक आपका अपना YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे रोजाना जारी होने वाले सबसे अलग सबसे हटकर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके अपने YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान की एक नई घोषणा है कि हम हर एक सब्सक्राइबर बढ़ने पर 10 रुपए की चैरिटी करेंगे। ये पैसा किसी निर्धन को रोटी देगा तो किसी बच्चे की शिक्षा में काम आएगा, इसीलिए PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। आप अनजाने में गरीब को खाना दे देंगे, किसी जरूरतमंदों की मदद करने में सहायता कर देंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल PTV हिंदुस्तान को। दुनिया भर में जो लोग अपनी शादी को यादगार बनाना चाहते हैं, वे शादी के लिए बहुत कुछ करते हैं। शादी में ऐसी चीजें करना जिससे कि उनकी शादी उम्र भर याद रहे, इसके लिए वो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ लोगों को अपनी शादी में फिल्मी सितारों को नचाने का शौक होता है, जिसके चलते ये लोग बड़े बड़े फिल्मी हस्तियों को शादी में नाचने के लिए बुलाते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे और बेटी की शादी थी। इस शादी में बॉलीवुड की ज्यादातर सभी सितारे मौजूद थे। ये तो नहीं कह सकते कि पैसे देकर बुलाए गए थे, उन्हें निमंत्रण भेजा गया था। पर हाँ, लोगों को अपनी शादी में बड़े बड़े स्टार्स को नचाने का शौक होता है, जिसके चलते इनकी शादी यादगार बन सके। तो चलिए आज आपको ऐसे सितारों की चार्ज लिस्ट बताएंगे जो शादी में डांस करने की और लोगों के पलों को यादगार बनाने में कितनी फीस लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। दोस्तों, बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण सबकी पहली पसंद है। अगर वे आपकी शादी में आ जाए और आपकी शादी को यादगार बना सके तो इससे अच्छा क्या होगा। पर दोस्तों, इसके लिए आपको एक अच्छी रकम भी चुकानी होगी। दरअसल दीपिका किसी की शादी या पार्टी में समय देने के बदले कम से कम 1 करोड़ रुपए जरूर चार्ज करती है। अब बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक काफी फेमस हैं, इसीलिए उनकी फीस भी थोड़ी भारी पड़ती है। हम आपको बताते हैं कि प्रियंका चोपड़ा किसी शादी में डांस करने के लिए 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक की फीस देती है। आखिर में क्यों नहीं, वे एक इंटरनेशनल स्टार जो है। तो चलिए अब बात करते हैं बैंड बाजा बारात वाली अनुष्का शर्मा की। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा बहुत चंचल मिजाज की है और इसी वजह से शादियों में ज्यादातर लोग उन्हें आमंत्रित करते हैं। मस्त मिजाज की वजह से उनकी शादियों में डिमांड बहुत ज्यादा ही रहती है। लोग उन्हें अपनी शादी में बुलाना काफी पसंद भी करते हैं। अनुष्का इसके बदले में 70 से 80 लाख रुपए तक चार्ज करती है। चलिए अब बात करते हैं शाहरुख खान की। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के फैंस की कमी बिल्कुल नहीं है। लोग उन्हें दिलो जान से चाहते हैं और उनके काम की सराहना भी करते हैं, इसीलिए किंग खान की फीस थोड़ी सी ज्यादा है। उनकी फीस 3 से 4 करोड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे 4 करोड़ ही लेंगे, इसमें वे कम भी कर सकते हैं और 2 करोड़ भी फीस ले लेते हैं। पर हाँ, शाहरुख बहुत कम पार्टियों और शादियों में जाते हैं। साल में सिर्फ वो 10 शादियों या पार्टियों को ही अटेंड करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैटरीना की। एक्ट्रेस कैटरीना बड़ी शादियों और इंटरनेशनल इवेंट्स में परफॉर्म करती हैं। शादियों में परफॉर्म करने के लिए वे 2.5 करोड़ रुपए चार्ज करती है और अगर बात हो केवल गेस्ट अपीयरेंस की तो वो 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच में मान जाती है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को तो कम ही पार्टियों में जाना पसंद है और वो कम ही पार्टियों में जाते हैं। और अगर बात करें प्रोफेशनली तो वे शादी में या पार्टी में जाने के लिए 1.5 करोड़ तक चार्ज करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही आपके विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपके अपने YouTube चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे रोजाना जारी होने वाले सबसे अलग सबसे हट के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।